विधानसभा चुनाव 2020 को संपन्न कराने जा रहे हमारे तमाम पदाधिकारियों का मैं चंद्र प्रसाद विश्वकर्मा प्रशिक्षण कोषांग की ओर से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यह चुनाव चूंकि सारे दिशा निर्देशों के अनुरूप होता है, इसमें हर एक बातों की अच्छी पकड़ और अच्छी समझ होनी अति आवश्यक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आज हम जो महत्वपूर्ण भाग है प्रशिक्षण का ईवीएम से संबंधित, उस भाग को मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। हम अब ईवीएम से संबंधित सारी बातों को आपके सामने रखने जा रहे हैं। मेरा प्रयास होगा कि मैं सारी बातों को संक्षिप्त रूप में आपके पास व्यक्त कर दें। देखिए, मेरे हाथ में जो एक आप मशीन देख रहे होंगे, वो मशीन कंट्रोल यूनिट अर्थात सीयू के नाम से जाना जाता है। इस मशीन के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि मुख्यतः इसके चार भाग होते हैं। ये जो सामने वाला भाग मेरा दिख रहा है, इसे हम डिस्प्ले सेक्शन कहते हैं, हिंदी में इसे प्रदर्शन खंड के नाम से जानते हैं। दूसरा भाग जो देख रहे होंगे, इसमें मुख्यतः दो कपाट हैं लगे हुए। एक कपाट में पावर पैक होता है और दूसरे में कैंडिडेट का सेट किया जाता है, कैंडिडेट की संख्या को सेट किया जाता है। ये पूरा भाग हमारा कैंडिडेट सेक्शन के नाम से जाना जाता है। और ये तीसरा वाला भाग जो देख रहे हैं, इसमें भी दो कपाट होते हैं, एक बड़े वाले भाग और एक दूसरा छोटा भाग। इसके अंदर हमारा चार बटन आपको दिख रहा होगा, एक काला वाला भाग जो बटन के रूप में आपको उंगली से दिखा रहे हैं, एक क्लोज बटन के नाम से जाना जाता है। पीला वाला बटन जिस पर हमारी उंगली रखी हुई है, वो रिजल्ट के नाम से जाना जाता है। और ये तीसरी वाली बटन जो सादा है, इसे हम क्लियर बटन के नाम से जानते हैं। एक बटन और हमारे सामने दिख रही है जो पीला कलर का है, लेकिन यह प्रिंट बटन कहलाता है। इसकी आवश्यकता कतिपय कारण से अगर वैधानिक बातें सामने आती हैं तो इसकी जरूरत होती है, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं होती है। इस भाग को हम रिजल्ट सेक्शन के नाम से जानते हैं और इसके बारे में विस्तृत चर्चा थोड़ी देर के बाद ही करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारी बातें बतानी होती है। और अंतिम वाला जो भाग होता है, अंतिम सेक्शन, इसमें हमारे दो बटन होते हैं, एक बैलेट बटन और दूसरा टोटल बटन। टोटल बटन को यदा कदा हम दबा करके इसको देख सकते हैं कि हमारी मशीन में कितने मत डाले गए, 17 को प्रपत्र पर उससे मेल खाता है या नहीं खाता है, इसकी संख्या को हम देख सकते हैं। और ये जो बैलेट बटन है, इसको दबाने के बाद हम मतदाता को मत देने के लिए आगे भेजने का काम करते हैं। तो ये चारों भागों के बारे में हमने चर्चा कर दिया। पीछे वाले भाग को अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि एक यहाँ पर जो कनेक्टर दिख रहा है, इसमें हम ईवीएम के दूसरे भाग को जोड़ते हैं, अर्थात वीवीपैट को इसमें हम जोड़ते हैं। और ये स्विच आप देख रहे होंगे, ये स्विच पावर ऑन और ऑफ करने का होता है। जब हम सीलिंग कर रहे होते हैं तो उसको ऑफ की स्थिति में रखते हैं, और जब हम इस पर काम कर रहे होते हैं तो इसको ऑन की स्थिति में रखते हैं। ये हमारा संक्षिप्त परिचय हुआ कंट्रोल यूनिट के बारे में, लेकिन इसके बारे में कुछ विशेषताएं भी हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो चुनाव अभी तक संपन्न कराए जा चुके वो M2 मॉडल से कराए गए, जबकि वर्तमान में हमारे हाथ में और पूरे बिहार में 243 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में जो चुनाव कराए जाने हैं, उन सारी सीटों पर M3 मॉडल का प्रयोग किया जा रहा है। अब इसकी विशेषता जान लें कि आखिर M2 से M3 किस प्रकार भिन्न है, अर्थात मेरे हाथ में जो मशीन है या अन्य मशीनों से जो पूर्व की मशीन थी उससे यह किस प्रकार भिन्न है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दें कि यह मशीन सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर पर आधारित मशीन, अर्थात ये मशीन स्वयं अपना
वीयू और वीवीपैट, अर्थात स्वयं अपना का, वीवीपैट का और वीयू का निरीक्षण कर लेता है और इसमें छोटी मोटी जो त्रुटि होती है उसका निदान भी कर लेता है। एक विशेषता ये हुई। दूसरी विशेषता है सिग्नेचर सर्टिफिकेट की, अर्थात ये मशीन और बीयू में, सीयू में, बीयू में और वीवीपैट में एक सिग्नेचर सर्टिफिकेट होती है जिससे ये मशीन यह समझ जाता है कि हम तीनों मित्र मशीन हैं। अर्थात अगर कोई बाहर से अगर इस मशीन में कोई दूसरा बीयू डालना चाहे, इसमें कोई दूसरा बीयू को इंसर्ट करना चाहे, तो यह मशीन काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उस मशीन से इस मशीन का सिग्नेचर मेल नहीं खाएगा। दूसरी विशेषता हुई। तीसरी विशेषता है टेम्पर डिटेक्शन का। टेम्पर डिटेक्शन का मतलब हुआ कि अगर इसमें बार बार कुछ छेड़छाड़ किया जाए तो ये मशीन काम करना बंद कर देगा और संबंधित छेड़छाड़ के रिपोर्ट को ये डिस्प्ले पर दिखला भी देगा। ये खासियत है टेम्पर डिटेक्शन मशीन विशेषता की। चौथी विशेषता इसमें है कि इसमें वीएसडीयू की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्व में वीवीपैट के में होने वाली गतिविधियों को देखने के लिए एक छोटी मशीन होती थी वीएसडीयू, जो इस बार उसको हटा दिया गया है और उसके सारे फीचर्स को हमारा कंट्रोल यूनिट ही प्रदर्शित करता है। चौथी पांचवी विशेषता इसकी यह है कि पूर्व के M2 मॉडल में मात्र 4 बीयू को हम कनेक्ट कर सकते थे, जबकि इस मॉडल में हम 24 बीयू को कनेक्ट कर सकते हैं, अर्थात 384 उम्मीदवारों का चुनाव संपन्न कराया जा सकता है। ये मुख्यतः इसकी विशेषताएं हुई। इसकी विशेषता के बाद हम दूसरी मशीन का परिचय के पश्चात हम लोग ईवीएम के दूसरे भाग अर्थात बीयू पर चर्चा करते हैं। बीयू की संक्षिप्त जानकारी यह है, इसके सामने आप 16 बटन देख रहे हैं। यहाँ पर उम्मीदवारों का प्रतीक चिन्ह होता है और यहाँ पर मतदाता उसे दबा करके अपना वोट प्रदान करते हैं। इसके आगे एक काला बटन आप देख रहे होंगे, ये स्लाइड स्विच है। अगर कभी किसी विधानसभा में 16 से अधिक उम्मीदवार अगर खड़े होते हैं, इस स्थिति में और भी बीयू की आवश्यकता होती है। इसके लिए अगर अतिरिक्त बीयू की आवश्यकता होती है तो प्रारंभ के बीयू को 1 नंबर से और दूसरे बीयू को 2 नंबर से, तीसरे बीयू को 3 नंबर से सूचित करने के लिए यहाँ पर एक स्लाइड स्विच होती है। पीछे वाले भाग को थोड़ा सा हम गौर से देखें तो पता चलेगा कि सामने वाला जो ये कपाट है, इसमें व्यू को इंटरफेस करते हैं, व्यू को इंटरफेस करने का है। और ये वाला जो कपाट है इसमें हमारा पावर पैक होता है। अगर एक व्यू की आवश्यकता होती है तो सिर्फ इसी में, अर्थात व्यू 1 में पावर पैक की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर इसी तरह से अन्य 24 व्यू की आवश्यकता हो जाए तो क्रमशः 1 के बाद 5 में, 9 में, 13 में, 17 में और 21 नंबर के बीयू में पावर पैक की आवश्यकता होगी। ये इसकी संक्षिप्त जानकारी है और इसमें अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे पास एक तीसरी मशीन है जिसको हम वीवीपैट के नाम से जानते हैं। इस मशीन की सार्थकता है कि मतदाता जो मतदान करते हैं उसकी सत्यता की पुष्टि करता है। यह इस बात को दर्शाता है कि मतदाता ने जिस उम्मीदवार को मतदान किया है ठीक उसी उम्मीदवार को मत गया है, अर्थात मेरा मत सही उम्मीदवार को गया है, इसको दिखलाने वाला जो मशीन है ये हमारा वीवीपैट मशीन कहलाता है। यहाँ पर हम एक पर्ची देखते हैं, वो 7 सेकंड के लिए रुकती है, जिस पर हम उम्मीदवार का नाम, उसका क्रमांक और उसके चिन्ह को देखकर समझ जाते हैं कि हमने सही जगह मत किया है और वो सही जगह दिख रहा है। इसके दूसरे भाग पर अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पावर पैक होती है जहां पर बैटरी लगाई जाती है, और इसका दूसरा भाग जो है
दूसरा भाग जो है सो बीयू को इंटरफेस करने के लिए होता है, यानी बीयू को हम यहाँ पर इंटरफेस करते हैं। इस तरह से ये हमारा भाग वीवीपैट का पावर पैक वाला हुआ और ये बीयू को कनेक्ट करने के लिए हुआ। सामने आप एक स्विच देख रहे हैं, ये अगर हॉरिजॉन्टल स्थिति में होती है अर्थात क्षैतिज अवस्था में होती है तो ये लॉक पोजीशन में मानी जाती है, लेकिन जब हम काम करते हैं इसे वर्टिकल अर्थात खड़ी अर्थात उदग्र अवस्था में अगर हम ले आते हैं तो यह ऑन पोजीशन में होता है और तब हम इस पर कोई भी काम कर सकते हैं। ये हमारे ईवीएम से संबंधित तीनों मशीन की संक्षिप्त जानकारी हुई और ये तीनों संयुक्त रूप से ईवीएम मशीन कहलाता है। इसमें कतिपय दोष भी हो सकते हैं, जब इसका संचालन हम करते हैं तो कतिपय दोष इसमें आएंगे जिसकी जानकारी हमें निश्चित रूप से रखनी होती है। अब इसमें छोटी छोटी बातों की हम जानकारी ले लें कि अगर कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पर LE प्रदर्शित होता है, हम समझते हैं कि इसमें लिंक एरर आ रहा है, अर्थात इसको ठीक करने के लिए इसकी केबल को हम फिर से सीधा करके और संबंधित जगह पर इसको कनेक्ट करें। इस तरह से लिंक एरर समाप्त होता है। दूसरा एरर प्रेस्ट एरर कहलाता है, जो संक्षिप्त रूप में PE के नाम से उसमें डिस्प्ले सेक्शन पर हमें दिखाई पड़ता है। प्रेस्ट एरर अगर दिख रहा हो इस स्थिति में, चूंकि हमारा पैलेट यूनिट और वीवीपैट मतदान कक्ष में होते हैं तो प्रेजाइडिंग अफसर पोलिंग एजेंट के साथ वहां जाएंगे और उस बटन को थोड़ा सा दबा दबा करके देख लेंगे कि कहीं किसी बटन में कोई चीज दब तो नहीं गया, कोई कागज कोई कंकड़ या माचिस की तिल्ली वगैरह किसी ने डाल तो नहीं दिया, अगर डाला गया उसे निकालेंगे तो प्रेस एरर समाप्त हो जाता है। तीसरा एरर एक हो सकता है कि इनवैलिड, अगर इनवैलिड दिख रहा है तो यह बताता है कि हमने सियासी क्रम सही से नहीं किया, क्योंकि इस मशीन में कोई भी गतिविधि को अगर हम करते हैं तो यह एक सही क्रम में करना होता है, CRC क्लोज रिजल्ट क्लियर ही इसका सही क्रम है, इसी रूप में हम काम करते हैं। इनवैलिड यह बताता है कि यह क्रम सही नहीं किया गया, अगर हम क्रम सही कर लेंगे तो इनवैलिड का दोष समाप्त हो जाएगा। थोड़ी सी जानकारी हम लोग और ले रख ले कि कोई दोष ऐसा भी हो सकता है जिसको हम दूर नहीं कर सकते हैं और वह अवस्था हमारा मशीन बदलने का हो सकता है। मॉक पोल तक, जिस वक्त हम मॉक पोल करवा रहे हैं उस वक्त तक संबंधित मशीन में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, तीन मशीन हमारे सामने होता है CU, PU और वीवीपैट, अगर इन तीनों मशीन में से किसी एक में भी कोई त्रुटि आती है तो सिर्फ संबंधित मशीन को बदलने का काम करता है, अर्थात अगर CU में त्रुटि आई तो CU, PU में गड़बड़ी हुई तो PU और वीवीपैट में गड़बड़ी हुई तो वीवीपैट को बदलने का काम करेंगे। लेकिन वास्तविक मतदान के दरमियान अगर कोई त्रुटि आती है PU और CU में तो हम तीनों मशीन को रिप्लेस करते हैं, जबकि वीवीपैट में अगर कोई त्रुटि आती है तो सिर्फ वीवीपैट को बदलने का काम करते हैं। ये हमारे कुछ दोष से संबंधित बातें हुई है और इसका निराकरण हम लोग बिना घबराए इत्मीनान से हम लोग अपने बुद्ध पर संपन्न कर सकते हैं, बशर्ते इसकी सच्ची जानकारी हमें होनी चाहिए।